इग्निशन है, इसको हम ऑन करते हैं इग्निशन स्विच को, तो पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है। इसके बाद में इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक होने के कारण ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग है वो स्विचेज से है, गियर नहीं है, विदाउट गियर है। और उस तरह से जैसे हम थ्रोटल देंगे तो एक साइलेंट मोड में ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे इसको हम रिवर्स करेंगे, ये स्विच है, जैसे इसको हम बैक की तरफ पुश करेंगे ये रिवर्स मोड में आ गया है, रिवर्स होना शुरू हो गया है। ये हेडलाइट स्विच, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर लो। ले लो। अभी इधर को मुंह करके खड़ा कर दो, हल्का सा। नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ, बैटरी से चलने वाला और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर इसे कहते हैं, और ये हल्धर इसका नाम है इस ब्रांड का, और सुकोन कंपनी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की। ये ट्रैक्टर मैंने पहले आपको हिसार के मेले में दिखाए थे, दो मॉडल इस ट्रैक्टर के दिखाए थे, लेकिन ये जो मॉडल अब आप देख रहे हैं यह मॉडल उन दोनों ट्रैक्टर से भी सस्ता है। आप देख ही रहे हो किस तरह से बढ़िया चौड़े टायर वाला ये ट्रैक्टर है, और पिछले टायर भी इसके जो है काफ़ी चौड़े हैं, मजबूत हैं, और इसको जब लुक जो है इसकी सीट का कुछ मॉडिफाइड किया गया है। बढ़िया ट्रैक्टर आपको दिख रहा है, क्या इसके फीचर्स हैं, कितनी इसकी क्षमता है, क्या क्या काम इस ट्रैक्टर से किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, सभी आप जानते हैं डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, खेती किसानी में कामकाज महंगा हो रहा है, किसान लोग परेशान हैं, लेकिन आप यह बैटरी का जो ट्रैक्टर एक बार खरीदेंगे तो कई साल बिना खर्चे यानी पेट्रोल डीजल की छुट्टी हो जाएगी, और बहुत ही कम खर्चे पर बढ़िया काम खेती किसानी में कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के जो इंजीनियर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कभी हेलीकॉप्टर उड़ाने का आविष्कार किया था रटौल मेरठ में, वो इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या इस ट्रैक्टर की खासियत है, क्या काम कर सकते है, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। लगातार पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, और लगातार देखते रहें खेती किसानी से लेकर हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। मेरा नाम मुस्तकीम अली है जी, और मैं इलेक्ट्रिक का ही देखता हूँ ज़्यादातर, बाकी तो और दूसरे भी देखता हूँ, जैसे डिजाइन का है,
या मैकेनिकल का है और रख रखाव का है और डेकोरेशन का। भाई जो हम आपका ये ट्रैक्टर देख रहे हैं हल्धर इलेक्ट्रिक है जी, और ये हमने हिसार के मेले में भी अपने किसान भाइयों को दिखाया था, तो वो जो ट्रैक्टर हमने हिसार के मेले में दो मॉडल दिखाए थे हल्धर के, इस मॉडल में और मॉडल में अंतर क्या है थोड़ा सा पहले तो ये बताएं। एक्चुअली इस मॉडल में ज़्यादा खास बात यह है कि ये इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए भी बनाया गया है। अच्छा, जैसे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ट्रॉली के साथ में वज़न खींच के ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जी, तो उसके हिसाब से इसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, जैसे अच्छा। कि टायर देखने से ही पता चल रहा है कि ये सड़क पे और इंडस्ट्री के पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है, तो जी, जी, जी। और पूरी तरह से मजबूत है और इसके जो ब्रेक और ये हब है इसमें कोई खास बात है इसमें? हाँ, ये डिस्क ब्रेक है जो बहुत पावरफुल है, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे पूरी तरह से डिस्क ब्रेक है। जी, पहियों को पूरी तरह से जाम कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें आपने पीछे लाइट और इंडिकेटर का सिस्टम भी दे रखा है। हाँ, आगे LED लाइट लगी हुई है और सीट इसमें बढ़िया ठीक ठाक ड्राइवर के बैठने के लिए है। हाँ, ये स्पेस है और पावर, तो इसका जो स्टीयरिंग है वो सिंपल है। हाँ, पावर, ये इसका जो टो करने के लिए आपने इसे का बम्पर भी कह सकते हैं और इसे टो करने का। हाँ, ये लाइट इसमें LED लगी हुई है। हाँ, तो ये बताइए मुस्किन जी, ये ट्रैक्टर जो है कितने इसमें बैटरी कितनी क्षमता की है, कितने घंटे काम कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये 48 वोल्ट का है और इसमें 160 एम्पियर की बैटरी है अभी तो। अच्छा, 160 एम्पियर की, 160 एम्पियर की बैटरी है। तो ये कितने घंटे चल सकता है? 160 एम्पियर की बैटरी से ये लगभग 5 घंटे तक चल जाएगा। मतलब 5 घंटे तक चलेगा, 5 घंटे तक ये ट्रॉली को खींच के ले जाएगा। कितना वजन ले जा सकता है ट्रॉली के अंदर? 20 से 30 क्विंटल यानी 3 टन तक। 3 टन तक वजन ले जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी। और ये 5-6 घंटे काम कर सकता है? हाँ। तो इसकी चार्जिंग जो है वो चार्जिंग कितने घंटे में होगी पूरी जी? 5 घंटे चार्जिंग में लेगा ये। अच्छा, 5 घंटे चार्जिंग में लेगा। हाँ, तो यानी कि यूनिट कितनी बिजली ले लेगा पर डे इसकी? ये 5 घंटे में 2 यूनिट बिजली लेता है। अच्छा, 5 घंटे में ये 2 यूनिट बिजली? 2 यूनिट बिजली लेता है। और इसकी जो बैटरी है वो कितनी कम से कम कितनी लाइफ क्या रहेगी भाई? बैटरी अभी जो इसमें लगी है वो लेड एसिड है जिनकी लाइफ कम से कम 3 साल है। अच्छा अच्छा, लेड एसिड की बैटरी है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद ये कीमत क्या है? मानो जो 3 साल बाद ये बैटरी खराब हो जाएगी, हाँ, तो फिर 3 साल बाद नई बैटरी डलवानी पड़ेगी, तो क्या रहेगी इसकी बैटरी कीमत? आपके यहीं से मिलेगी कंपनी से या किसान भाइयों? नहीं, बैटरी तो कहीं से भी ले सकते हैं, ये बैटरी तो सभी जगह अवेलेबल होती है और जो पुरानी बैटरी है वो आधे रेटों में चली जाती हैं। जी जी जी, अप्रोक्सीमेट क्या कीमत माने बैटरी की? क्या कम से कम 40,000 रुपये की बैटरी है? 40,000 रुपये की बैटरी है। हाँ जी। अच्छा मुस्किन भाई, ये बताइए कि मेंटेनेंस और क्या क्या है इस ट्रैक्टर में, क्या खर्चा इस बैटरी के अलावा? तो कोई खर्चा है नहीं इस बैटरी के अलावा, इसमें और कोई खर्चा नहीं है। जो मोटर कंट्रोलर है वो लॉन्ग टाइम है, लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। जी जी जी, और इंडस्ट्री में हम इस पर ट्रॉली से बोझा ले जा सकते हैं आसानी से। हाँ। और हम खेती किसानी में क्या क्या काम कर सकते हैं? खेती किसान में सभी काम कर सकते हैं इसमें, और दूसरे जो ट्रैक्टर हैं उसमें सिर्फ फर्क पहियों का है। जब इसके हम पहिए चेंज कर देंगे यानी बुड्डी वाले पहिए लगा देंगे तो फिर ये खेतों में आसानी से काम कर लेगा। अच्छा, अच्छा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडस्ट्री वाले पहिए लगा रखे हैं? हाँ, पहिए इसमें चेंज किया जा सकते, सिर्फ पहिए ही चेंज करने होंगे। अच्छा, इसमें ट्रॉली के लिए हिच लगा रखी है क्या? वो उसका व्यवस्था नहीं है इसमें? PTO शाफ्ट वगैरह नहीं? PTO शाफ्ट इसमें नहीं है। जो रोटावेटर हमने बनाए हैं इनके पीछे चलने वाले, वो रोटावेटर खुद अपने आप में एक मशीन है और ट्रैक्टर की पावर मतलब ट्रैक्टर के अंदर से लीड लगा के उसको हम पावर देते हैं तो वो खुद ही घूमता है। मतलब PTO से नहीं उसको घुमाने की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक स्विच उसको ऑन करते हैं तो वो स्वयं घूमना शुरू कर देता है। तो यानी आपके जो ये ट्रैक्टर है इसमें आपने ऐसे रोटावेटर अलग तरह से बनाए हैं जिनमें सिर्फ करंट देना होता है? हाँ। और वो बढ़िया काम करने लगते हैं? उसमें अंदर ही मोटर लगी होती है। अच्छा अच्छा, तो ये तो रोटावेटर रहा है, यदि हमको टिलर इस पर चलाना है? हाँ। तो टिलर की व्यवस्था भी ऐसी होगी? हाँ, टिलर को क्योंकि PTO की जरूरत तो होती नहीं है जी, तो उसके तो लिफ्ट की जरूरत है, तो लिफ्ट इसमें है। और अच्छा, लिफ्ट कहाँ है? लिफ्ट की व्यवस्था है? लिफ्ट है इसमें लेकिन अभी लगाई नहीं गई है इसकी। अच्छा, जो फटिया है वो नहीं लगाई है। लिफ्ट की व्यवस्था है इसमें।
तो कहने का मतलब ये ट्रैक्टर जो है लिफ्ट की साथ भी उपलब्ध हो सकता है, बिल्कुल, और बगैर लिफ्ट के भी बिल्कुल हो सकता है। और आप इसे इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेना चाहे तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए ले बिल्कुल बिल्कुल, और जो खेती किसानी में काम करना चाहते हैं वो भी इस काम को भी कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है कहाँ कहाँ तक आप इसे उपलब्ध करा सकते हैं मुस्लिम भाई? ये अभी ऑल इंडिया है, कहीं पर भी ले सकते हैं, पूरे भारत में सभी जगह हम जो भेज रहे हैं। तो ये अभी आपने ये ट्रैक्टर जो है, ये मॉडल जो है, ये नया लॉन्च किया है? ये नया है। तो इस मॉडल का कोई नाम अलग रखा है कि खाली हल्द ये नहीं, ये हल्दर 1500 ही है अभी। अच्छा, ये हल्दर 1500 हाँ, लेकिन ये जो है ना इंडस्ट्रियल वर्जन में आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब इंडस्ट्रियल वर्जन में है। हाँ जी। तो इससे एक ट्रैक्टर से आप इंडस्ट्रियल में भी काम कर सकते हैं और खेती किसानी में भी, खेती किसानी में कर सकते हैं। और जो इसके जो आपके जो रूटावेटर हैं और कल्टीवेटर हैं या इसकी लिफ्ट वगैरह की सुविधा है वो हाँ। तो आपकी तरह से कंपनी से उपलब्ध है, सब सब कुछ है, कोई सा भी विकल्प अपना सकते हैं, जो भी कोई ले सकते हैं अपना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा यह है बैटरी वाला ट्रैक्टर है, नया मॉडल इसका आया है। औद्योगिक कार्य करने हो या आपको खेती किसानी में काम काज करना हो, इस ट्रैक्टर से बखूबी आप कर सकते हैं। इसकी कीमत क्या है, कंपनी के जो एक्सपर्ट हैं या जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, किस कीमत पर आपको यह किस तरह से उपलब्ध हो सकता है, क्या गारंटी वारंटी है, क्या सुविधा फाइनेंस की है, यह सब बातें जो कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे लगातार। भाइयों, कंपनी के मालिकों से हमने बात की, मालिकों ने अभी कीमत तय नहीं की है। जो किसान भाई खरीदना चाहते हैं, ऑर्डर बुक कराना चाहते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी के नंबर दिए जा रहे हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी इस ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेने का भी प्रयास भारत सरकार से कर रही है ताकि किसानों को यह ट्रैक्टर सस्ता उपलब्ध हो सकता है, कई वर्जन में यह ट्रैक्टर उपलब्ध हो सकता है। आपको सामान की ढुलाई करनी हो या खेतों की जुताई करनी हो या फिर आपको लिफ्ट वाली ट्रॉली लगानी हो या रूटेवेटर इस्तेमाल करना हो, इस ट्रैक्टर पर आप कर सकते हैं कम खर्चे में। और ये ट्रैक्टर कंपनी का ये इरादा है कि बहुत ही सस्ती कीमत पर यह बैटरी वाला ट्रैक्टर आपको उपलब्ध हो सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं सतीश शर्मा जाफरवादी, नमस्कार।